हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनबी कैंपस। तो आज के इस वीडियो में हम कम्पिटेटिव एग्जाम में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, हमारी वेबसाइट एनबी कैंपस पर आप डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ गवर्नमेंट एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े एग्जाम के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। लक्ष्य सेन और स्वास्तिक चिराग ने जीते इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने इंडियन ओपन बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। लक्ष्य सेन को यह मुकाबला जीतने में 54 मिनट का समय लगा। लक्ष्य सेन के करियर का यह पहला सुपर 500 खिताब है। इससे पहले स्वास्तिक और चिराग की मैच डबल जोड़ी ने इंडोनेशिया के 3 बार के विश्व चैंपियन मोहम्मद एहसान और हेटा सेतियावान की जोड़ी पर सीधे गेम में शानदार जीत दर्ज करते हुए इंडियन ओपन जीतने वाली देश की पहली जोड़ी बनी। आज की दूसरी खबर है मिसेस वर्ल्ड 2022। कुंडली चक्र पहनकर नवदीप कौर ने जीता बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब। अमेरिका की शेलिन फोर्ड ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का टाइटल अपने नाम किया, लेकिन इस प्रतियोगिता में भारत की नवदीप कौर ने भी कड़ी टक्कर दी। उन्होंने टॉप 15 में अपनी जगह बनाई और बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब अपने नाम किया। नवदीप कौर की यह जीत उनके लिए और भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। नवदीप कौर ने ट्रेडिशन में कुंडली चक्र से प्रेरित होकर आउटफिट पहना था। ये कलेक्शन इंसान के शरीर में मौजूद चक्रों के बीच संचार होने वाली ऊर्जा को दर्शाता है, जो पैर से लेकर रीढ़ तक और फिर दिमाग तक संचारित होता है। नवदीप के इस कॉस्ट्यूम को एगी जैमिन ने तैयार किया है। आज की तीसरी खबर है भारत की नौसेना ने INS कोची ने रूस की नौसेना के RFS के साथ अरब सागर में किया परीक्षण। भारतीय नौसेना की ताकत में 4 चांद लगाने वाली स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोची को आज अरब सागर में परीक्षण किया गया। यह पहली बार है कि भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मिसाइल विध्वंसक का परीक्षण किया है। आज की चौथी खबर है प्रसिद्ध कथक नर्तक पद्मभूषण बिरजू महाराज का 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन। बिरजू महाराज ये शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ घराने से अग्रणी नृतक थे। बिरजू महाराज जी को पद्मभूषण संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा कालिदास सम्मान भी मिला है। इसके साथ इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मानद मिली है। बॉलीवुड गायक अदनान सामी ने सोशल मीडिया पर लिखा, महान कथक नृतक पंडित बिरजू महाराज जी के निधन की खबर से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आज हमने कला के क्षेत्र में एक अनोखा संस्थान खो दिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। तो दोस्तों, आज की पांचवी खबर है 29 शावकों को जन्म देने वाली सुपर मॉम बागिन ने दुनिया को कहा अलविदा। मध्य प्रदेश की शिवानी पेच राष्ट्रीय उद्यान की वर्ल्ड फेमस पेच की रानी और सुपर मॉम के नाम से मशहूर कॉलर वाली बागिन अब इस दुनिया से जा चुकी है। बागिन का जन्म सितंबर 2005 में हुआ था। इसे T15 बागिन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की थी ये कुछ खास खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।